के बाद स्पीकर बिरला बूंदी पहुंचे, जहां 330 करोड़ की लागत से बनने वाले NH-52 CC 4 लेन का शिलान्यास किया। लोकसभा अध्यक्ष बिरला द्वारा किए गए शिलान्यास के दौरान विधायक अशोक डोगरा, तालेडा प्रधान राजेश रायपुरिया समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बिरला ने कहा कि सीसी रोड बनने से लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़े हैं। इस पर हमारा फोकस है। हम रेल और सड़क नेटवर्क के विस्तार पर तेजी से काम तो कर ही रहे हैं। निकट भविष्य में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी प्रारंभ होने की संभावना है। इसके बाद हमारा यह क्षेत्र देश के सभी हिस्सों में सीधी पहुँच आसान हो जाएगी। वे शुक्रवार को बूंदी जिले के तालेडा में कोटा देवली मार्ग के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि देश के सभी राज्यों की राजधानियां और बड़े नगर आपस में जुड़े। इसके लिए भारतमाला जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसी तरह प्रत्येक गांव भी सड़क से जुड़ा हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बूंदी और कोटा से होकर गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलेगा। चंबल एक्सप्रेसवे मध्य तथा पूर्वी भारत से कोटा का नया संपर्क स्थापित करेगा। इसका फायदा हमारे किसान भाइयों, व्यापारियों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा। क्षेत्र में रोजगार के भी नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र में भी रोड नेटवर्क मजबूत करने के लिए हम जन भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। नॉर्दर्न बाईपास पर किसानों की मुआवजों की समस्या को दूर कर लिया गया है तथा उसे पूरा करने पर अब तेजी से काम होगा। उसके बाद बल्लोप से गामस तक के सड़क मार्ग की स्थिति सुधारने पर काम किया जाएगा। बूंदी विधायक अशोक डोगरा की तालेडा से अख्तासा तक रोड के निर्माण के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि उन्होंने NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजे, स्वीकृति करवाने की जिम्मेदारी उनकी है। इसके अलावा तालेडा से केशवरायपाटन तक का सड़क की स्थिति के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को अवगत करवा दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ होने के लिए भूमि के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थानांतरित होने का इंतजार है। यह काम होने के बाद जल्द ही एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए उनके केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से बात हो चुकी है। ये एक महत्वपूर्ण मार्ग है। कई सालों की लंबी मांग के बाद ये मार्ग बना, लेकिन जब ये रोड बना था उस समय भी कई लोगों का आग्रह था कि क्वालिटी के हिसाब से रोड नहीं बनाया गया, क्योंकि ये रोड BOT पे बना था, इसलिए संवेदक की जिम्मेदारी थी कि वो रोड को मेंटेनेंस भी करे, रोड को क्वालिटी का भी बनाया जाए। लेकिन 2015 से 2021 के बीच में इस रोड की हालत अच्छी नहीं थी, और इसीलिए सरकार ने निर्णय किया कि कोटा से देवली के रोड के एक हिस्से को एक अच्छा गुणवत्तापूर्वक रोड बनाया जाए, सीमेंटेड रोड बनाया जाए, ताकि लंबे समय तक इस रोड पर आवागमन की सुविधा ठीक से बनी रहे।